आज हमारा टॉपिक है रीनल कैल्कुलाई। रीनल रेफर्स टू किडनी और कैल्कुलाई जो है उसका मतलब है स्टोन। तो रीनल कैल्कुलाई को हम किडनी स्टोन के नाम से भी या रीनल स्टोन के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो रीनल कैल्कुलाई यूरिनरी सिस्टम में या नेफ्रॉनिक सिस्टम में कहाँ कहाँ ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं? किडनी में, या किडनी से यूरेटर का जो जंक्शन होता है, रीनल पेल्विस जो होता है उस एरिया में, यूरेटर में और यूरिनरी ब्लैडर में। ज़्यादातर इन साइट्स पे हम देखते हैं कि जो स्टोन है उसका फॉर्मेशन हो चुका होता है या स्टोन आके स्टकअप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कि हम इसको किस नाम से जानते हैं। रीनल कैल्कुलाई किडनी स्टोन या रीनल स्टोन के अलावा लिथियासिस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यूरोलिथियासिस लिखा है, जिसमें यूरो हम यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए कह रहे हैं, लिथ का मतलब स्टोन होता है और ईयासिस का मतलब फॉर्मेशन होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द यूरिनरी सिस्टम इज़ रेफर्ड टू यूरोलिथियासिस। और उसी तरीके से नेफ्रोलिथियासिस है, किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होना नेफ्रोलिथियासिस कहलाता है, जिसमें लिथ पर्टिकुलरली स्टोन के लिए रेफर किया गया है। ओके, सो आई होप कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से किडनी में या यूरिनरी ट्रैक में कहीं पर भी स्टोन फॉर्मेशंस हो जाते हैं। सो यूरिनरी ट्रैक में या किडनी में जो स्टोन्स हैं उसके फॉर्म होने के चांसेस का फर्स्ट रीज़न हो सकता है इंक्रीज्ड यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट। आगे हम देखेंगे कि जो स्टोन्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा परसेंटेज, अराउंड 75% जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट्स होते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट का यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना, कैल्शियम फॉस्फेट का यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना, यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टोन को फॉर्म करने में मदद करते हैं। इसके अलावा सेकेंड हम रीज़न देखेंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो स्टोन को फॉर्म होने से रोकते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन अगर यूरिन में या बॉडी में कम हो जाता है तो भी करस्पॉन्डिंग सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है। वो सब्सटेंसेस हैं जैसे हमने कहा क्रिस्टलाइजेशन प्रिवेंट करते हैं, तो उसमें सिस्ट्रेट आता है, मैग्नीशियम आता है, नेफ्रोकैल्सिन आते हैं और यूरोपोंटिन आते हैं। ओके, सो दोनों ही फैक्टर्स हमने देखे। एक फैक्टर वो था कि स्टोन के लिए जो स्टोन फॉर्मेशन के लिए जो सब्सटेंसेस हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना, या दूसरी तरफ स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए या क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो सब्सटेंसेस हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाना, ये दोनों ही फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक में या किडनीज में स्टोन फॉर्मेशन हो रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हैं तो फ्लूइड की कमी के कारण भी ऐसा होता है कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है यूरिन, एंड यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से स्टोन फॉर्मेशंस हो सकते हैं। ये एक दिन या दो दिन का नहीं होता है, परसिस्टेंटली अगर बहुत कम पानी पीते हैं या किसी कारणवश स्वेटिंग की वजह से या डायरिया या ऐसे वॉमिटिंग या किसी भी कारण की वजह से या लेस इनटेक ऑफ वाटर की वजह से अगर व्यक्ति डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो दैट कैन लीड टू द स्टोन फॉर्मेशन। ओके, इसके अलावा इन्फेक्शंस कारण हो सकता है। इन्फेक्शंस में किसी भी तरीके का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTIs, ये सारे ही रीजंस किसी भी जगह पे, इट कुड बी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ऑफ यूरेटर, यूरेथ्रा, पेरिनियल रीजंस, कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन है तो दैट कैन लीड टू सम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेशन, उसकी वजह से पस डेड सेल्स और वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है। ओके, यूरिनरी स्टैसिस, यूरिनरी स्टैसिस का मतलब है कि यूरिन का किसी भी एरिया में रुक जाना बहुत देर के लिए। तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जैसे ट्यूमर हो गया या किसी भी और कारणवश, जैसे हमने देखा इन्फेक्शन में जैसे डेड स्पेसेस बन जाते हैं, तो किसी भी कारणवश अगर यूरिन बहुत देर के लिए किसी जगह रुका हुआ है तो वहाँ के मेम्ब्रेन में जो क्रिस्टल्स है या जो सब्सटेंसेस हैं वो जमा हो जाते हैं और वहाँ पे वो क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा इमोबिलिटी, अगर बहुत चलना फिरना नहीं है व्यक्ति का, फिज़िकल एक्सरसाइजेज या फिज़िकल मूवमेंट्स ठीक से नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि यूरिनरी स्टैसिस हो सकता है विच कुड लीड टू द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। ओके, इसके अलावा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से कैल्शियम का जो अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा और कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन बढ़ने की वजह से कैल्शियम के स्टोन्स बन सकते हैं, जिसमें कैल्शियम फॉस्फरस या कैल्शियम ऑक्सलेट्स के स्टोन हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा जिसकी वजह से यूरिन बहुत टाइम के लिए किसी भी जगह पर रुक जाएगा। एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी
कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और साथ ही साथ अगर डायरेक्टली कैल्शियम को हम बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं तो दैट कुड ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम स्टोन्स। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम ध्यान रखेंगे कि रीनल कैल्कुलाई का जो सिम्टम है वो ट्रायड में देखा जाता है। वन इज़ फीवर, सेकेंड इज़ फ्लैंक पेन, एंड द थर्ड वन इज़ वॉमिटिंग। ओके, सो जितने भी आप केसेस देखेंगे यूरिनरी कैल्कुलाइज के या किडनी स्टोन्स के, उनमें आप देखते हैं कि ये तीनों ही सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि द सिम्टम इज प्रेजेंटेड इन अ ट्रायड फॉर्मेशन, फीवर, वॉमिटिंग एंड फ्लैंक पेन। ओके, सो फ्लैंक पेन जो है वो बहुत एक्यूट रहता है, बहुत एक्यूट पेन रहता है जो बैक की तरफ और ग्रोइन की तरफ रेडिएट करता है। साथ ही साथ फीवर और वॉमिटिंग, नौजिया, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ठीक से यूरिनरी फ्लो ना होने की वजह से जो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। पर्सन को फील होता है कि उन्हें बार बार यूरिन पास करना है या मिक्चुरेशन का सेंसेशन आता है, सो दैट इज़ यूरिनरी अर्जेंसी और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड। इसके अलावा हेमिच्यूरिया हो सकता है बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रेन जो होता है, उसकी वजह से इंजुरीज हो सकते हैं जिसके कारण हम देखते हैं कि यूरिन के साथ जो ब्लड के ट्रेसेस हैं वो मिले हुए आ रहे हैं। पस फॉर्मेशंस हो सकते हैं इन द यूरिन, सो दैट इज़ पायूरिया। रीनल कॉलिक पेन्स हो सकते हैं, वेरी ट्विचिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग पेन्स जो ज़्यादातर हम देखते हैं स्टोन के कहीं पे आके अटक जाने की वजह से वहाँ पे कॉलिक पेन्स होते हैं। इसके अलावा अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की वजह से इनडाइजेशंस और डायरिया होने के चांसेस हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इन्फेक्शंस के चांसेस और यूरिनरी इरिटेशन, इचिंग वगैरह के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नाउ वी विल सी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है या किस तरीके से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि फर्स्ट हम प्रॉपर एक हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ताकि हम साइट देख सकें कहाँ पे पेन हो रहा है ज़्यादा पेशेंट को और क्या हिस्ट्री रही है। बहुत ज़्यादा ड्रिंक अल्कोहलिक तो नहीं थे या बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इंटेक तो नहीं करते थे जिसकी वजह से ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ा है बॉडी में। इसके अलावा CBC कर सकते हैं कंप्लीट काउंट देखने के लिए, इससे हमें इन्फेक्शंस के चांसेस वगैरह पता चल जाएंगे। ब्लड में किस मिनरल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ा हुआ है ये देखने के लिए हम सीरम बायोकेमिस्ट्री करेंगे। इसी के साथ साथ हम यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं जिससे हमें ब्लड और यूरिन दोनों में ही कॉन्सेंट्रेशंस पता चल जाएंगे। इसके अलावा IV कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर यूरिनरी ट्रैक्ट को विजुलाइज किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज IV यूरोग्राफी। इसके अलावा KUB किडनी यूरिनरी ब्लैडर, किडनी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर का फुल स्कैन किया जा सकता है, KUB स्कैन। उसमें हम एक्सरे और USG करके देखते हैं, साथ ही साथ हम और रेडियोग्राफिक स्कैन्स कर सकते हैं जैसे CT स्कैन, MRIs। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हम पाइलोरोग्राफी कर सकते हैं जिससे हमें पर्टिकुलरली जो पेल्विक रीनल पेल्विस है या पेल्विक जंक्शन है जो किडनी और यूरेटर के बीच में, वो हम क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी आकर किडनी से जो स्टोन है स्टक हो जाते हैं जिसकी वजह से यूरिन फ्लो नहीं हो पाता और किडनी का जो इन्फ्लामेशन है वो बढ़ता चला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वील सी हाउ कैन वी मैनेज इट। तो सबसे पहले हम कुछ मेडिसिंस के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम कुछ प्रोसीजर्स के बारे में देखेंगे। तो मेडिसिंस में हम बहुत एक्यूट पेन जो है, बहुत सीवियर पेन होता है टू द डिग्री ऑफ डिजीनेस या फिर फेंट हो जाते हैं, तो इस वजह से हम पेन को कम करने के लिए या कॉलिक पेन्स को या फ्लैंक पेन्स को कम करने के लिए हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एंटीएमेटिक्स दे सकते हैं फॉर वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन कम करने के लिए IV फ्लूइड्स दे सकते हैं, यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम ये IV फ्लूइड्स दे सकते हैं, क्योंकि साथ साथ हम कुछ कंडीशंस में डायूरेटिक्स दे रहे होते हैं तो भी IV फ्लूइड्स बहुत ज़रूरी है। ओके, फॉस्फोरस सॉल्यूशंस दे सकते हैं ताकि कैल्शियम जो है वो क्रिस्टलाइन ना हो, एलोप्यूरिनॉल दे सकते हैं ताकि यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़े, थायज़ाइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं ताकि कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन या कैल्शियम का क्रिस्टलाइजेशन ना बढ़े, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम सिट्रेट दे सकते हैं ताकि एसिडिक नेचर जो है यूरिन का वो कम हो जाए। ये सारे कुछ मेडिसिंस हैं जिसके थ्रू हम हेल्प कर रहे हैं या तो स्टोन को एक्सपेल करने की या एलिमिनेट करने की, या फिर हम स्टोन के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज कुछ प्रोसीजर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले ESWL, दैट इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक
वेव लिथोट्रप्सी. ओके, नाउ व्हाट इज दिस इज कि बॉडी के बाहर से ही हम क्या दे रहे हैं, ये कोई इंसिशनल प्रोसीजर नहीं है, परक्यूटेनियस नहीं है. यहाँ पे हम पेशेंट को एक ऐसे सरफेस पे प्लेस करते हैं जहाँ पे शॉक वेव्स जो हैं वो रेडिएट करते हैं उनके बॉडी के अंदर, और उस वेव्स के थ्रू ये जो स्टोन है वो लिथोट्रिप्सी मतलब लिथ का टूटना. तो हम वहाँ पे स्टोन को तोड़ने की कोशिश करते हैं. देन हम डायोरेटिक्स देकर या आईवी फ्लूइड्स देकर यूरिनरी फ्लो के थ्रू हम उनको क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज़ परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बहुत छोटा सा ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, एंड ट्यूब को हम बॉडी एक छोटा सा इंसिशन बनाकर हम ट्यूब इंसर्ट कर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम वो स्टोन्स को बाहर निकाल सकें. ओके, बेसिकली ये किडनी में से स्टोन निकालने के लिए है, तो इंसिशन बैक साइड से किया जाता है. रिमूवल विद द यूट्रोस्कोपी, जिसमें यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में एक स्कोपी डिवाइस इंसर्ट कर कोशिश की जाती है कि जो स्टोन्स है उसको निकाला जाए. इसके अलावा पाइलोलिथोटोमी है. पाइलोलिथोटोमी में हम पेल्विक रीनल पेल्विस से या किडनी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या ओपनिंग इट एंड रिमूविंग इट. यूट्रोलिथोटोमी जो है उसमें हम यूरेटर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सिस्टोटोमी जो है उसमें हम यूरिनरी ब्लैडर में से ओपन करके स्टोन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी है, जिसमें हम एक स्टोमा क्रिएट कर वहाँ से हम स्टोन को निकालने की और यूरिनरी जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी के साथ साथ जो लास्ट है वो है यूट्रिक स्टेंट. जो यूरेट्रिक स्टेंट है, स्टेंट मतलब एक इनसाइड एरिया जो है वो होलो स्ट्रक्चर जैसा एक क्या कहते हैं, इट्स समथिंग लाइक कि हम वहाँ पे प्लेस करेंगे तो वो यूरेटर को कॉन्स्ट्रिक्ट होने नहीं देगा. जब यूरेटर कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो जो यूरिनरी फ्लो है वो ठीक से होगा और कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा और यूरिनरी फ्लो को हम बढ़ा सकते हैं. तो इस टाइप के हम कॉइल्ड स्ट्रक्चर को इंसर्ट करेंगे ताकि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन ना हो यूरेटर में, सर, दैट इज़ यूरेट्रिक स्टेंट. ओके, तो ये था ये रीनल कैलकुलाई या किडनी स्टोन के बारे में. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.